के पन्नों में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारी माताओं को जो सही में राशि मिलनी चाहिए और ये स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार सदन में क्या दिखेगा। नीरा जी, बीजेपी का रुख क्या रहेगा सदन में? ये सरकार इतनी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, और इस प्रकार के कारनामे तो आए दिन आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रश्न हमने फर्स्ट में 2020 में डाला था उसका भी जवाब आज तक हमको नहीं मिला है। ये सारे प्रश्नों का हम पंच लेकर के आए हैं और इस विधानसभा में आखिरी बार पूछेंगे सरकार से कि अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर कुर्सी खाली करें। इस बार मॉनसून झारखंड में बेहतर ही रहा, आपके क्षेत्र में कैसा और सदन में इसको बात उठाएंगे? किसानों की बहुत परेशानी आ रही है। देखिए, किसान बहुत प्रभावित है, मॉनसून नहीं है इस बार, और कोडरमा ऐसा है वहाँ पर तो सूखा बहुत ज्यादा है, वहाँ पर तो खेत में पानी ही नहीं है, किसान आज परेशान हो गए हैं। इसलिए पिछले बार भी हमने कहा था कि एक बार निरीक्षण होना चाहिए और सुखाड़ क्षेत्र घोषित होकर के इस बार भी बारिश बहुत धोखा दिया है, तो किसानों के जो है उनकी समस्या को देखते हुए सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके उनको त्वरित लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि आज हमारे किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। और हमने अपने विधायक फंड से काफी कोशिश की है, हमारे अन्नदाताओं के लिए हमने जो काम किया है कि उनको डीप बोरिंग दे करके उनको पानी की सुविधा देने का काम किया है, कृषि क्षेत्र के लिए जो कई गोतियां मिलकर के एक साथ कई एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं और अन्न उपजा रहे हैं। तो सरकार को इस प्रकार की योजना पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसून पर अगर हम निर्भर रह जाते हैं तो फिर हम किसानों की मदद नहीं कर पाते। पाँच लाख नौकरी का क्या हुआ, आप ही बता दीजिए। ये तो सरकार बताएगी, ये झारखंड के युवा पूछ रहे हैं, झारखंड के युवा पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी हम यहाँ के युवाओं को देंगे, तो अब 5 साल पूरा होने जा रहा है सरकार का, तो 25 लाख नौकरी कहाँ गई? सरकार बताए यहाँ के झारखंडियों को उनका 25,000 कहाँ गया। सरकार यह भी बोली थी कि जब तक हम नौकरी नहीं देंगे यहाँ, पोस्ट ग्रेजुएट को हम 7,000 और ग्रेजुएट को 5,000 हम पेंशन देंगे। यहाँ के युवा, यहाँ के बेरोजगार सरकार से पूछ रहे हैं कि पेंशन का क्या हुआ, सरकार बताए। अभी 4 दिन पहले जो बहाली हुई, मुख्यमंत्री जी बड़ा इतरा के उसमें बांट रहे थे, 17 लोग यूपी बिहार बंगाल के नियुक्ति पद दिया गया, आखिर यहाँ के युवाओं का क्या होगा, सरकार बताए। यही तो जानना चाहते हैं, विपक्ष का नाते हम लोग भी जानना चाहते हैं, यहाँ की झारखंड की जनता भी जानना चाहती है कि झारखंड इसीलिए तो नहीं बनाया कि बाहरी यहाँ नौकरी करेंगे और यहाँ के युवा दर दर का ठोकर खाएंगे, सरकार बताए। सरकार के पक्ष से कहते हैं कि जो भी अगर स्थानीय नीति लाते तो उसको पिछले दरवाजे से आप लोग कोर्ट जाकर रद्द करवा देते हैं। इसका मतलब है कि सरकार नहीं बल्कि नौटंकी हो रहा है। अगर सरकार के लोग बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से, इसका मतलब है आप गलत नीति पथ ला रहे हैं, गलत नियत से ला रहे हैं। अगर साफ नियत से लाते तो क्यों कोर्ट निरस्त करता, कुछ कमियां है तब तो कोर्ट निरस्त कर रहा है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनको ये करके शादी के नाम पर उनको ढकोसा करके उनको हत्या की जाती है, उनका जो जमीन को अपने कब्जे में लेकर के उसको बेचा जाता है, और वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, घुसपैठिए है, वो ला करके किस प्रकार से यहाँ के लोगों को लूट खसोट कर रहे हैं और यहाँ पर ये भारतीय नागरिकता को हासिल कर रहे हैं और ऐसे ये जाली आली काम करके इसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से उस इलाके में कही कि मुस्लिम बहुलता है सो हो रहा है, और यहाँ पर जितने आदिवासी लोगों की संख्या थी, हमारी संख्या थी, उसका प्रतिशत जो दिनों दिन घटता जा रहा है, ये तो बदल रहा है। अब इसका या आने वाले समय में ये सरकार नहीं चेतेगी तो निश्चित रूप से ये जो बांग्लादेश का हाल है, बंगाल का हाल है, वही है सुई हाल है झारखंड का होने जा रहा है। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक हो रही है, वैसी कोई स्थिति वहाँ पर देखिए परिस्थिति है सुई है, आपने इस प्रकार से कायम कर दिया है, इसलिए सो हम तमाम लोगों को मुद्दा मिल गया बोलने के लिए, नहीं तो आप उसका उस प्रकार से सरकार है सो अगर चेती होती और इसको सरकार उस पर नकेल कसी होती तो सो
हम लोग को बोलने का या उस पर राजनीति करने का है, हमसे मौका नहीं मिलता है, सरकार ने इसको मौका को दिया है। सरकार के मंत्री इरफान शाह ने कहा कि आप बताइए कौन बांग्लादेशी है, हम उनको निकालेंगे चिन्हित कर। बांग्लादेशी कौन है वो सब जानते हैं, उनके सब आगे पीछे चलने वाले ही लोग हैं और इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। अब वो नौ जान रहे हैं, छवे नहीं जान रहे हैं, सब जानते हैं, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताना होगा तो उनको हम गिन करके सूची दे देंगे। धन्यवाद।